तो हेलो गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो में पोजीशन होल्ड का पार्ट वन वीडियो देखे, तो ये वीडियो पार्ट टू है जो कि उस और भी इसमें जानकारी इस पोजीशन होल्ड के बारे में देने वाले हैं। तो गाइस, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना तेज़ हवा है कि मैनुअली नहीं ये फ्लाइट कर पा रहा है, तो फिर आपको दिखाएंगे इसमें पोजीशन होल्ड करके, आप जैसे कि इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो गाइस, पोजीशन होल्ड में जब हम फ्लाइट करते हैं तो मेरा जीपीएस 3D फिक्स होना चाहिए, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। जब पिक्सावक में 3D फिक्स हो जाएगा तो ग्रीन लाइट पिक्सावक बोर्ड में जलने लगेगा, ब्लिंकिंग करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं अभी ग्रीन लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है बट जीपीएस में ब्लिंक नहीं हो रहा है। तो अब देख सकते हैं ये दोनों में ब्लिंक करने लगा, इसका मतलब कि अब मेरा ये ड्रोन फ्लाइट करने के लिए रेडी है और ये 3D फिक्स है। तो ये पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान में दीजिएगा, जब भी मान लीजिए कि फ़्लाइट करना हो तो आप देख सकते हैं 3D फिक्स होने के बाद जब फ्लाइट किए और इतना तेज़ हवा होने के बावजूद भी ये एक स्थान पे प्रॉपर तरीके से फ्लाइट कर रहा है, और इसको जब नीचे प्रेस किया जा रहा है फिर भी ये किधर भी नहीं मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर पुश करने के बाद भी सेम वहीं स्थान पर आ जाता है। तो जिस टाइम आप पुश करिएगा या फिर धकेलिएगा तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर जाएगा, इसके बाद जीपीएस दोबारा से वहाँ पे कंट्रोलिंग करके अपने सेम स्थान पे जा करके पोजीशन होल्ड हो जाएगा। तो गाइज, आप ये सब जानकारी अपने माइंड में रखे रहिए। तो जैसे कि बताया कि इसमें सारे स्टिक्स वर्क करेंगे, आप देख सकते हैं इतना तेज़ हवा है फिर भी यहाँ पर पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। तो जो भी स्टिक्स है सारे स्टिक्स वर्क करेंगे लेफ्ट राइट जाने के लिए। तो जैसे कि जब ये पोजीशन होल्ड रहता है और जब लैंडिंग होता है तो इस होल्ड में इस जो फ्लाइट मोड होता है, तो इसको कैसे पता होता है कि हमें फ्लाइट करना है, मतलब कि लैंडिंग करना है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं इजीली ये नीचे ज़ोर से किया जा रहा है फिर भी ये नहीं हो रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स बहुत तेज़ लगा रहा है। तो जब हम आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमोट अलग से नीचे में रख दिए हैं, इसके बाद भी यहाँ पे फ्लाइट कर रहा है और फ्लाइट एक स्थान को प्रॉपर ये हो रहा है। जैसा कि आप और भी जो रेडीमेड ड्रोन्स खरीदते हैं तो उसमें भी इस प्रकार से करके दिखाया जाता है, तो हम लोग सोचते थे भाई ये कैसे होता है और कितना अच्छा इस तरह फ्लाइट। तो आज हम उस अचीवमेंट को पूरा कर लिए हैं, आप देख सकते हैं इतना स्टेबिलिटी दे रहा है ये जो यूज किए हुए हैं पिक्सावक 2.4.8 फ्लाइट कंट्रोलर। तो एक स्थान पर इस प्रकार से पोजिशन होल्ड बहुत ही अच्छा एक फ्लाइट मोड है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर लाने के बाद में वो वहाँ पे चला जाएगा। थोड़ा सा जब वो जीपीएस का फिक्स हो जाता है, मतलब कि थोड़ा इधर उधर होता है लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जस्ट जाने लगता है। तो आप देख सकते हैं इसमें जब कैमरा लगेगा तो बहुत ही स्टेबिलिटी आएगा गाइस। तो अभी तो हम लोग मोबाइल लगा करके और शूटिंग किए हुए हैं थोड़ा मोड़ा, तो उसको वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर दिखाएँगे। तो आप देख सकते हैं अप में धकेलने के बाद में थोड़ा सा इस सब का जो भी मोटर है स्लो हो जा रहा है, यानी कि उतना मेंटेन कर रहा है ये जैसे कि। तो चलिए अब हम आपको बता दें कि जैसे कि इसको लैंडिंग करना है तो 50 से नीचे करना है थ्रोटल, जैसे कि आप अपने मुताबिक कि जब नीचे आने लगे। तो हम बता रहे थे कि इसको कैसे पता कि अब लैंडिंग करना है, लैंडिंग हो करके ऑटोमेटिक 50 से नीचे रहेगा, इसके बाद भी लैंडिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिक डिसार्म हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से होता है, तो गाइज ये जब इसमें सेंसिंग होता है कि एक सेकेंड तक जब भी लैंडिंग करते दौरान एक सेकेंड तक एक जगह पे ये होल्ड हो जाएगा तो ये सेंस कर लेता है कि हाँ यहीं पे लैंड होना है, तो वो चारों मोटर ऑफ हो जाते हैं। तो इसको चलिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, जैसे कि इतना ऊपर है तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अभी सरफेस बहुत ही नीचे है तो अपने हैंड से ऊपर ही पकड़ के एक सेकेंड तक रखे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने पर ही एक सेकेंड से था तो ये ऑफ हो गया।
तो इस प्रकार से ये लैंडिंग करता है। अब इसको टेक ऑफ भी हैंड में पकड़े पकड़े भी कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखते थे पहले मोबाइल में कि अरे यार ये तो हैंड से ही ऊपर से ला करके और हैंड से पकड़ लेते हैं, और फिर हाथ हाथ से तो टेक ऑफ करते नहीं देखे थे, बट लैंडिंग करते समय कैमरा करके और फिर हाथों से पकड़ के और ऑफ कर दिया करते थे। तो इसी मोड का यूज करके उस सब ड्रोन में सब वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आगे गया उतना तेज़ी से फिर पीछे आया, तो पोजीशन होल्ड भी एक बहुत ही हम लोग के मुताबिक तो बहुत ही अच्छा है जो बिगिनर है, जो अभी शुरू शुरू स्टार्टअप कर रहा है। जैसे कि पहले हम लोग सोचते थे कि यार फ्लाइट मोड अभी यूज नहीं करेंगे, अभी कुछ सीखे भी नहीं है ये वो, लेकिन जब हम लोग फ्लाइट मोड यूज करना सीखे तो हमें ये लगने लगा कि फ्लाइट मोड बहुत ही अच्छा है, जो कि फ्लाइंग करने के लिए एक जो नए यूजर्स भी हैं जो यूज नया नया करते हैं तो वो भी इस मोड में फ्लाइट कर सकते हैं और उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, सहूलियत मिलेगी। तो गाइज ये है कुछ ऊपर से लिया हुआ सीन, तो आप देख सकते हैं ऊपर हाइट कर दिया गया है ड्रोन को, और फिर यहाँ पे रिमोट से कोई केवल रोल भी कर सकते हैं या फिर आगे पीछे जैसे मन वैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीन आया हुआ है। तो गाइज वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब।